हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 220 तक रहेगा। और इसे पिछला जो वीडियोज देखना होगा तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 201 पे चलते हैं। तो 201 हमारा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये इतना डाटा दिया हुआ है, उससे बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि अगर मान लेते हैं सेमी कंडक्टर है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना, सिलिकॉन डायोड है, तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, अपने को पता है क्यू बाई ई इंटू एन डी इंटू एक्स एन ओ, ठीक है ना। एक्स एन ओ में क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी तो डिप्लेशन रीजन दिया हुआ है हमको, तो ये एक्स एन ओ किसका हो गया, ये एन मतलब इलेक्ट्रॉन का होता है। एक यहाँ पे अगर ये डी रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, एन टाइप के लिए होगा, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे पी रहता है, यहाँ पर एक्स पी ओ रहेगा, ठीक है, तो अपने लिए पी टाइप के लिए हो जाएगा, पी टाइप के लिए। तो मैं अभी एक्स डी एन डी एंड एक्स एन ओ पे ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो फिर एन ए या फिर एक्स पी ओ पे, एक्स पी ओ ले सकते हो। यहाँ पे एन ए कर दो, यहाँ पे एक्स पी ओ कर दो, ठीक है ना। चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, उससे पहले आपको जान लो डाटा वगैरह कि आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट है ये, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो एक एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन होता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई ई एट ई नॉट एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये अपने जो होता है ये मतलब परमिटिविटी होता है जो सब्सटेंस का होता है, जो आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो ना उसका परमिटिविटी होता है। ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, ठीक है ना, फ्री स्पेस का होता है परमिटिविटी। तो बस यहीं से डाटा मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मेरे को यहाँ पे ई का वैल्यू चाहिए, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास के इंटू ई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, के इंटू ई नॉट अपने को ये मिला। तो ये डाटा मैं वहां पे यूज करूंगा। तो चलो फिर बनाते हैं क्वेश्चन को। तो क्यू का वैल्यू मेरे को पता है 1.6 इंटू 10^-90, ठीक है, ये होता है इंटू एन ए, सॉरी एन डी। एन डी का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है 10^17 दिया है, मल्टीप्लाई अपने को एक्स पी ओ का वैल्यू, एक्स एन ओ का वैल्यू दिया हुआ है। देखो एक्स एन ओ दिया हुआ है, एक्स एन ओ अपने दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर, तो 0.1 मल्टीप्लाई 10^-4, ठीक है ना, ये हो गया। अब मेरे को ई नॉट ई का वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, एप्सिलॉन का वैल्यू लिखना है। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, के इंटू ई नॉट, तो के इंटू ई नॉट। और ई नॉट का वैल्यू देखो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है सिलिकॉन का, अपने को ये दिया हुआ है। तो चलो निकालते हैं, तो 12 इंटू 8.85 इंटू 10^-14 वैल्यू डाल दिया। इसको सॉल्यूशन करो, जब सॉल्व करोगे तो 0.15 मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये यहाँ पे देखो ऑप्शन तो यहाँ पे दो दे रहा है, ए एंड बी दो है। अब इनमें से बोल रहा है डायरेक्शन दिया हुआ है, पी टू एन की तरफ होगा या एन टू पी की तरफ होगा। तो हम लोग जब पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर मतलब पी एन जंक्शन डायोड, हम लोग पढ़ते हैं ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड है, तो ये हमारा पी मान लो, ये हमारा एन मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे जंक्शन बनता है, पी एन जंक्शन बनता है अपने को यहाँ पर। तो ये सपोज दो टर्मिनल अपना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अपने को इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब एन टू पी के तरफ होता है। देखो एन टू पी मतलब एन रीजन टू पी रीजन, तो अपने को ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना, 201 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 202 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 202 बोल रहा है कि बिल्डिंग पोटेंशियल एक डेवलप्ड हो रहा है, बिल्डिंग पोटेंशियल डिफ्यूजन पोटेंशियल का रेशियो है जो पी एन जंक्शन में बन रहा है। तो वो बोल रहा है वो किसके बराबर होता है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्डिंग पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बाकी बताना आपको। तो अगर हम लोग बात करें इस तरह का क्लियर बनता है, आप लोगों को याद होगा फर्मी लेवल वगैरह अगर पढ़ोगे कभी, तो इस तरह का लेयर याद होगा, ये जो इस तरह का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक ये अपने को जाएगा, ये इस तरह से रहता है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है इसको। ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ग्राफ बना, इस सीधा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पेन से मैं बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में। ये हो गया एंड फिर एक और बनता है अपने को यहां से,
ये ग्राफ बना, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। तो आपको याद होगा ये ग्राफ, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आगे तक बढ़ते या यहाँ तक आता है, एंड फिर ये डॉटेड लाइन जो है वो इस तरह से आगे बढ़ता है, और बीच में एक डॉटेड लाइन रहता है अपना, बीच में एक लाइन रहता है ये, इसको कहते हैं फर्मी लेवल कहते हैं, यानी ई एफ एन कहते हैं, फर्मी एनर्जी अपना हो गया ये अपना जो हुआ ई एफ एन हो गया, ठीक है ना। एंड ये हमारे लिए वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, एंड ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, ये ई एफ आई होता है, ये ई एफ आई होगा, ई एफ एफ आई, ठीक है, एंड ये ई एफ पी होगा, ई एफ पी, ठीक है, ये होगा। तो इसके बीच का जो ये लेवल होता है, इसके बीच का जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, इसको मान लो ये ई वन है, ठीक है ना, ये ई वन मान लो, एंड फिर यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बन रहा है ये, इसको मान लो ई टू है, ठीक है ना, तो ई वन ई टू मान लो। तो चलो बात करते हैं कौन कौन सा यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है, तो ई एफ एन कौन सा होगा और ई एफ आई कौन सा अपने को होगा, चलो बताते हैं। तो अभी मैंने यूज किया यहाँ पर सबसे पहले तो ई एफ आई यूज किया, तो ई एफ आई कहने का मतलब इंट्रेंसिक फर्मी लेवल होगा, ठीक है ना, इंट्रेंसिक फर्मी लेवल। फिर एक मैंने यूज किया ई एफ एन, ई एफ एन यूज किया, ई एफ एन किसके लिए होगा, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल एन टाइप में। फिर एक मैंने यूज किया ई एफ पी, ठीक है, ई एफ पी क्या होगा अपने को, ई एफ पी अपने होगा ये फर्मी लेवल इन पी टाइप, ठीक है। तो अब चलो, अब सपोज करो, अब मेरे को ई वन का वैल्यू निकालना है, ई वन का वैल्यू एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एफ एन माइनस ई एफ आई, ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करोगे तो के टी बाई के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई, ठीक है, ये अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट रहता है, इसलिए यहाँ पे क्यू मत लगाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो, ठीक है ना। ई टू इज इक्वल टू ई एफ आई माइनस ई एफ एन इज इक्वल टू के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मान लो इसको इक्वेशन मैंने वन माना, इक्वेशन टू मान लो सपोज, तो अगर इक्वेशन वन टू को सॉल्व करो, यहाँ पे एक मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू होगा क्या कि अगर दोनों को सपोज ऐड करोगे तो ऐड करने से अपने को ई नॉट का वैल्यू टोटल एनर्जी निकलेगा, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा ई एफ एन माइनस ई एफ पी, ठीक है ना, ये निकलेगा। तो यही बस, अब इसको बस चलो वैल्यू पुट कर दो, तो डालो यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू डालोगे तो आएगा अपने पास के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई, ये प्लस होगा, प्लस के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या मेरे को मिलेगा, के टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। अब मेरे को वी बी बिल्ड इन पोटेंशियल निकालना है मेरे को, तो के टी अपॉन क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपना वोल्ट में हो गया। तो एक और कॉन्सेप्ट आपने को पता है कि एन आई का स्क्वायर बराबर होता है एन नॉट ई का क्यूब ई पी पावर माइनस ई जी बाई के टी, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो को सेमी कंडक्टर है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी अपना बढ़ेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा तो एन आई का स्क्वायर भी बढ़ेगा, एन आई का स्क्वायर भी बढ़ेगा। अब अगर एन आई का स्क्वायर बढ़ेगा तो अपने को वन बाई एन का एन आई का स्क्वायर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहा है। तो अब अपने को ये वन बाई एन आई का स्क्वायर में यहाँ पर ये रिलेशन में लिया हूँ, एन आई का स्क्वायर में यहाँ पर से रिलेशन में लिया हूँ, ठीक है। और फिर चलो, तो इसी बेस पे जो क्वेश्चन अपना बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि बिल्ड इन पोटेंशियल होता है किस पे डिपेंड करता है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी मतलब वन टू एंड थ्री पे होगा, वन टू एंड थ्री पे, तो इट इज इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स का फर्मी लेवल का इक्वल होता है, देखो टू साइड्स का फर्मी लेवल का इक्वल होता है, टू साइड्स का फर्मी लेवल का इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट बोला उसने कि इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज इन डोपिंग लेवल, तो दोनों साइड का इंक्रीज करते हैं विथ इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल अपना ये है, इंक्रीज होता है, कब होता है इंक्रीज, जब वो डोपिंग लेवल अपने इंक्रीज करता है वो इंक्रीज होता है, कौन सा बिल्ड इन पोटेंशियल अपना इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट बोलता है अपना कि इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बात सही हुआ क्योंकि इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज होता है।
इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 202 का। चलो क्वेश्चन नंबर 203 देखो। क्वेश्चन नंबर 203 बोलता है कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, वो डाटा से बोल रहा है कि अपने को बिल्ड इन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बिल्ड इन पोटेंशियल, ये वीबीआई निकालने को बोल रहा है। तो वीबीआई का फॉर्मूला अपने पास पता है, वीटी एलएन एन वन बाई एन टू होता है, ठीक है ना। तो अब वीटी का जो वैल्यू अपने को पता है केटी बाई क्यू होता है, ठीक है ना, वीटी बराबर केटी बाई क्यू होता है। अगर के का वैल्यू रूम टेम्परेचर रहेगा तो अपने पास 26 मिली वोल्ट हो जाएगा, अगर रूम टेम्परेचर रहेगा तो। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ पर से, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वीटी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वीटी का वैल्यू अपने को दिया केटी बाई क्यू, मतलब केटी बाई क्यू दिया हुआ है, ये अपने को 25 मिली वोल्ट दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करो वोल्ट में तो 0.25 हो जाएगा मल्टीप्लाई एलएन, और एन वन का वैल्यू दिया हुआ है, एनडी वन एनडी टू का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 18, 10 to the power 18, एंड एनडी टू का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 15, ठीक है ना। सब फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तब 0.25 आएगा, और ये इसका एलएन का वैल्यू निकालोगे लॉग को, तो अपना अपने पास जो वैल्यू आएगा 6.90, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.173 वोल्ट, तो 0.173 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके हिसाब से आंसर, ठीक है। चलो 204 क्वेश्चन नंबर, चलो 204 बोलता है कि एक रिलेशन दिया हुआ, बोल रहा है इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। कुछ पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है जो लोकेट किया गया एक्स नॉट पे, लोकेट एक्स एक्स जीरो पे किया गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और फिर उसका बोल रहा है कि एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी वाला पूछ रहा है। तो मेरे को एक इक्वेशन पता है अकॉर्डिंग टू, मान लो पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन अगर कहीं पढ़ोगे, अगर नहीं है तो फिर नेट से खोल के भी देख लेना पॉइजन्स इक्वेशन क्या होता है। तो मैं हल्का इंटर की ओवरव्यू देता हूँ कि पॉइजन्स इक्वेशन होता क्या है। पॉइजन्स इक्वेशन बोलता है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डी ई एक्स अपॉन डी एक्स होता है इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन ए प्लस एंड इन ए माइनस होता है, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो होता क्या है कि अगर ये ई एक्स हमारे को शो क्या कराता है, ये जो ई एक्स है अपने को ये शो कराता है कि वैरी करता है, ये वैरी करेगा, वैरी करता है लीनियरली, ठीक है ना, लीनियर वैरी करेगा विथ डिस्टेंस, विथ डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से ये लीनियर वैरी करता है विथ डिस्टेंस, तो जो अपने हिसाब से ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तो 204 का ए हो जाएगा, इस पॉइजन रेशियो के हिसाब से उसका आंसर आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 204 का। 205 क्वेश्चन नंबर देखो, 205 बोलता है कि पेन जंक्शन डायोड है अंडर द रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस किया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो एक डायोड है, मान लो ये अपना डायोड है, ठीक है ना, ये अपना डायोड है, कौन डायोड है, पीएन डायोड है, ठीक है ना, पीएन डायोड है, इसको रिवर्स बायस किया, रिवर्स बायस करने का मतलब पी को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से करो एंड नेगेटिव को पॉजिटिव से करो, इसको कनेक्ट कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अपना क्या हो गया, ये रिवर्स बायसिंग हो गया, ठीक है ना। फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें बोल रहा है ये रिवर्स बायसिंग है, तो क्वेश्चन बोलता है कि द एज ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ द पी साइड ऑन द पी साइड, डिप्लेशन रीजन का जो एज होगा वो पी साइड में रहेगा, एज ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन द एन साइड, फिर पी एन जंक्शन, द पी एन जंक्शन, तो ये जो होगा ये अपना पी एन जंक्शन ही होगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 205 का सी होगा, पी एन जंक्शन ही रहेगा। तो बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम अपने को चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग हो चाहे रिवर्स बायसिंग हो, वो यहीं पर मैक्सिमम रहता है, मतलब इस वाले जगह पर, ये जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, 205 का। चलो क्वेश्चन नंबर 206 देखो, 206 बोलता है कि गोल्ड इज ऑफ्टन डिफ्यूज्ड इन सिलिकॉन पीएन जंक्शन डिवाइस टू, गोल्ड को यूज किया गया है एज अ, मान लो कि इंप्योरिटी यूज किया गया है गोल्ड को, तो गोल्ड इनमें से कौन सा सही है, क्या होगा ऑप्शन। तो गोल्ड जो अपना एटम है, जो अगर गोल्ड एटम है तो सिलिकॉन लैटिस में अगर गोल्ड एटम जाता है तो डिक्रीज करता है लाइफ टाइम को, गोल्ड जो है अगर सपोज करो वो एटम सिलिकॉन के साथ मिलेगा, सिलिकॉन के साथ मिलता है तो अपना लाइफ टाइम को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लाइफ टाइम को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। जब डिक्रीज करेगा, क्यों ऐसा डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल का, इलेक्ट्रॉन एंड होल जो होता है अपने को, इलेक्ट्रॉन एंड होल जो होता है वो ज्यादा बनने लगता है, ठीक है ना, एक्सेस हो जाता है, ज्यादा बनता है कहाँ पर, पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल बनने लगता है, इसलिए ये जो है ना लाइफ टाइम को डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए जो ये होगा क्या कि फिर रिकम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूस कर देगा रिकम्बिनेशन को, तो अगर इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा बनेगा तो रिड्यूस कर देगा रिकम्बिनेशन को, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, गोल्ड को यूज किया जाता है डिफ्यूज करने के लिए सिलिकॉन के इंजेक्शन डायोड में, तो उससे क्या होगा कि रिकम्बिनेशन जो अपना वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका रेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 207 देखो, 2007 देखो, 207, तो 207 क्वेश्चन बोलता है कि अ गुड ओमिक कॉन्टैक्ट और पी टाइप सेमी कंडक्टर चिप इज फाउंड बाय द इंट्रोड्यूसिंग, मतलब पी एन पी टाइप का जो सेमी कंडक्टर होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है क्यों, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो, गोल्ड
गोल्ड एज एन इम्प्योरिटी बिलो द कॉन्टैक्ट एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द डोनर बिलो द कॉन्टैक्ट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर बिलो द कॉन्टैक्ट एंड अ थिन इंसुलेटर लेयर बिटवीन द मेटल एंड सेमी कंडक्टर। इसका ऑप्शन नंबर अपना 207 का बी होगा। हाई कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है, डोनर का बिलो द कॉन्टैक्ट के होता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि चिप की तरह यूज करते हैं क्यों, वही पूछ रहा है, तो हाई कंसेंट्रेशन होता है इसलिए मैं यूज करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 208 देखो, 208 बोलता है क्वेश्चन नंबर ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, जो रेक्टिफाइंग वाला कॉन्टैक्ट रेक्टिफाइंग पे बेस्ड है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा अपने को, ये अपने पास जो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 4 होगा इसका आंसर। बता दे रहा हूँ क्या है, तो रेक्टिफाइंग का मतलब क्या क्या होता है, रेक्टिफाइंग मेटल जो होता है वो पीएन जंक्शन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एक रेक्टिफाइंग है, रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जो अपना होता है वो जंक्शन जो होता है इस जंक्शन को, इसको ऑल्सो मतलब इसको इस वाले चीज को मैं कहता हूँ शॉटकी डायोड कहा जाता है, ठीक है ना, शॉटकी SHOC शॉटकी डायोड, ठीक है ना, शॉटकी डायोड कहो या शॉटकी जंक्शन कहो, ठीक है ना, या शॉटकी प्रिंसिपल कहो, जिसको शॉटकी प्रिंसिपल की तरह, मतलब अगर ये ऐसा आएगा मेटल रेक्टिफाइंग सेमीकंडक्टर आएगा तो उसको शॉटकी की तरह कहेंगे। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 4 होगा। द एन टाइप कंसेंट्रेशन विद वर्क फंक्शन फाई होता है, फाई एस ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन फाई एम मेटल में होता है, ठीक है ना। और फिर सेकंड बोलता है ये जो एन टाइप में है ना, एन टाइप में वर्क फंक्शन जो होता है अपने को ग्रेटर होता है फ्रॉम द मेटल से, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर में ज्यादा होता है मेटल से। और फिर बोलता है पी टाइप में जो होता है वो अपने को लेस होता है मेटल से। तो ये दो पॉइंट है, तो जो वर्क फंक्शन अपना होता है एन टाइप में अपने को ज्यादा होता है एंड फिर पी टाइप में कम होता है मेटल से। तो ये दो पॉइंट था, ये दो पॉइंट सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा। 209 देखो, क्वेश्चन नंबर 209 बोलता है सेमी कंडक्टर डायोड है जो कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज, कट इन वोल्टेज क्या कहलाता है सेमी कंडक्टर में। तो अगर आपको पीएन जंक्शन का वीआई कैरेक्टरिस्टिक याद होगा तो पीएन जंक्शन का ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होता है, तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से वो बनता है। ये कुछ इस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये अपना आई होता है यहाँ पर, यानी अपने यहाँ पे वी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा, तो यहाँ पर जहाँ से वोल्टेज कंडक्ट करना स्टार्ट होता है ना, तो उसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। इसको इस वाले सेक्शन को कह रहे हैं कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, इस वाले सेक्शन को कट इन वोल्टेज कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अप टू विच द करंट इज वेरी स्मॉल, जहां तक करंट वेरी स्मॉल रहता है तो उसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन तो यही होगा, ये सब कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलो कुछ एक करंट की बात आया गया, तो डायोड का करंट इक्वेशन समझ लो। डायोड का करंट इक्वेशन होता है I = I0e^(VBE/VT-1), ठीक है ना, ये होता है। यहाँ पर VBE अपने पास जो होता है, VBE जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस बेस इमीटर वोल्टेज होता है, ठीक है ना। ये जो VBE होता है वो अपने के लिए CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, CE कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब एक आता है VT आया यहाँ पर, तो VT को कहते हैं थर्मल वोल्टेज, ठीक है। और ID अपना हो गया आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी तो मैं पहले बता दिया था, तो ये कुछ था ये पॉइंट, क्योंकि आगे इस फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 210 क्वेश्चन नंबर 210 बोलता है कि सॉरी 210 एक मिनट हाँ 210 क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ यूज किया गया है रिवर्स बायस्ड फॉरवर्ड बायस्ड, तो पहले अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप आंसर दे दोगे। तो कुछ कुछ समझ लो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है एंड रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस में सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो डिफ्यूजन जो अपने होता है डिफ्यूजन करंट मेजोरिटी कैरियर होता है, ठीक है ना, मेजोरिटी कैरियर। यहाँ पे अपने को ड्रिफ्ट करंट होता है मेजोरिटी में, ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखो कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो P to N होता है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है N to P होता है, अपोजिट होता है।
थर्ड पॉइंट याद रखो कि जो जंक्शन वोल्टेज जो होता है, यहाँ पे जो जंक्शन वोल्टेज है यानी कि जंक्शन वोल्टेज वो रिड्यूस करता है और यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, जंक्शन वोल्टेज जो अपने को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट याद रखना कि डिप्लीशन रीजन जो अपने यहाँ पर रिड्यूस करता है, डिप्लीशन रीजन यानी कि विथ डिप्लीशन रीजन डब्ल्यू जो है अपने को वो डिक्रीज करता है, डिप्लीशन रीजन जो अपना होता है यहाँ पर अपने को इंक्रीज करता है वो, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है, इसमें जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। बट इसमें जो फ्लो होता है वो अपने को डिपेंड करता है कुछ जो सेमी कंडक्टर है वो एन टाइप, वो सेमी कंडक्टर जो वो सिलिकन का है या फिर जर्मेनियम का है। अगर सपोज सिलिकन का होता है तो सिलिकन का होगा तो वो नैनो एम्पियर में चलेगा, और अगर सपोज जर्मेनियम का होगा तो अपने को माइक्रो एम्पियर में चलेगा करंट रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है, इतना डिफरेंस था। तो अब इसी बेस पे चलो पढ़ते हैं। तो पहला देखो क्या बोलता है, इट इज एन एक्टिव कॉम्पोनेंट, एक्टिव कॉम्पोनेंट बोल, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 होगा। तो एक्टिव इट इज एन एक्टिव कॉम्पोनेंट। सेकंड बोलता है डिप्लेशन लेयर विथ डिक्रीज विथ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस में देखो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करता है, तो सही डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है। एंड थर्ड बोल रहा है रिवर्स बायसिंग के सैचुरेशन करंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रिवर्स बायस में इंक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अपने को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 210 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 211। 111 बोलता है कि एक सेमीकंडक्टर डायोड है जिसका स्कीमेटिक सिंबल दिया हुआ है, तो उसका सिंबल में एरो हेड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अपना सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन जो डायोड बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें अपना ये पी टाइप होता है एंड ये एन टाइप होता है, ये पॉजिटिव होता है एंड ये नेगेटिव होता है, ये एनोड होता है अपना एंड ये कैथोड होता है। तो बोल रहा है कि वो क्या इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये पी टाइप इंडिकेट करता है, एरो हेड, ठीक है ना, एरो कैप पी टाइप इंडिकेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211 देखो, क्वेश्चन दो सॉरी 212 देखो, 212 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है फॉरवर्ड बायस रीजन में डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अगर वो फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब ये डायोड जो अपना है ये पीएन डायोड है, पीएन डायोड, तो इसमें ये सपोज करो इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया गया, तो डायोड कैसा होगा, ऑन होगा या ऑन होगा, ऑन या ऑफ होगा, तो पी टाइप पॉजिटिव होगा एंड एन टाइप नेगेटिव होगा। तो अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड जो होता है वो ऑन हो जाता है, ठीक है ना, ये ऑन होगा। अब अगर रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स बायसिंग अपने को ये मान लो पी है एंड ये एन है, तो पी को नेगेटिव से कनेक्ट करो एंड एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, तो ये अपने को ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा और इसमें डायोड जो होता है वो अपना ऑफ होता है। तो बोल रहा फॉरवर्ड बायस पे डायोड कैसा होता है, तो वो ऑन होता है, ठीक है ना। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑन होगा डायोड। 212 213 क्वेश्चन नंबर देखो, 213 बोलता है कि एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन अकर्स इफ, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है कब होता है पीएन जंक्शन में, कब मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो कब होता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक याद होगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बनता है, ये अपना ग्राफ होता है, यहाँ से तो कंडक्शन स्टार्ट होता है इस तरह से, मान लो कनेक्शन स्टार्ट होता है और एक ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो ये तो अपना यहाँ पर कटिन वोल्टेज का ऑफ नी वोल्टेज हो जाता है, ये यहाँ पर एक नी वोल्टेज मान लो, ये अपने को नी वोल्टेज हो गया, ठीक है। एंड ये जो अपना होता है इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये जो हुआ ना ये अपने को ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है, ये ब्रेकडाउन रीजन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो कब होता है ये, इस ब्रेकडाउन जब होगा तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस होता है कि रिवर्स बायसिंग होता है, तो रिवर्स बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग होगा इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 214 क्वेश्चन नंबर, 214 क्या बोलता है, 214 बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स करंट क्या होता है। तो अपने को पता है अगर ये डायोड मान लो सपोज ये अपना डायोड है, ये डायोड अपना है पॉजिटिव नेगेटिव, रिवर्स बायसिंग किया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग किया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है आई नॉट, वो क्या होगा जब जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मतलब वी को अगर इंक्रीज करेंगे तो आई नॉट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जब रिवर्स बायस करेंगे तो करंट रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो होता है वो अपने जो रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो अपने को आई एस कह दो या फिर आई नॉट कह दो, वो होता है
तो ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज से, मतलब रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बट रिवर्स वोल्टेज वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ये इस पे। तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर अपना, तो इसका देख लो, इसका ऑप्शन नंबर रिवर्स ये देख लो, यही होगा, रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना, रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 214 का। चलो 215 क्वेश्चन नंबर देखो, तो 215 बोलता है कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो। करंट फ्लो किस तरह से होता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग का बोल रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग कहने का मतलब, सपोज ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन डायोड है, ठीक है ना। फॉरवर्ड कहने का मतलब ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्टेप मतलब अगर करंट फ्लो होता है तो उसका स्टेप होता है फॉरवर्ड बायसिंग, ये अपना फॉरवर्ड बायसिंग है, तो इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में एक स्टेप होता है करंट फ्लो होने का। तो सबसे पहले वो होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा करंट फ्लो करने का, वो इंजेक्शन करेगा, ठीक है ना, इंजेक्ट करेगा, इंजेक्शन ऑफ कैरियर्स, अरे इंजेक्ट करेगा। सेकंड जो होता है वो उसके बाद डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, ठीक है ना, उसके बाद डिफ्यूजन होता है कैरियर का। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट होता है वो अपने को रिकम्बिनेशन होता है, रिकम्बिनेशन एट द जंक्शन। तो ये तीन स्टेप होता है, तो देखो ये तीन स्टेप यहीं पर ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो ए हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होता है, हो जाएगा 215 का। चलो क्वेश्चन नंबर 216 देखो, 216 बोलता है एवलेंचे मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। एवलेंचे मल्टीप्लीकेशन, तो एवलेंचे मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब क्या हो गया, एवलेंचे ब्रेकडाउन का नाम सुनो हो गया। तो एवलेंचे ब्रेकडाउन जो होता है वो हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे होता है, तो उसे एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। जब हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे, रिवर्स वोल्टेज को अगर हाई दोगे ज्यादा रहेगा तो एवलेंचे ब्रेकडाउन होगा। तो इससे होता क्या है कि ड्यू टू इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है अपने को ईएफ, यानी कि ये सपोज करो अपना ये पीएन जंक्शन है, पीएन हो गया, तो यहाँ पर मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ईएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाता है रिवर्स बायसिंग में, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कर जाता है, तो इससे जंक्शन इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बॉन्ड्स का आकर बॉन्ड्स का कोलिजन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 देखो, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दैट अकर इन जेनर डायोड हैविंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। मतलब एक जेनर डायोड है, तो जेनर डायोड कहने का मतलब जेनर डायोड अपने को रिवर्स बायस में ही वर्क करता है। जेनर डायोड जो वर्क होता है वो ऑन होता है रिवर्स बायस में, ठीक है ना, एंड फॉरवर्ड बायस पे वो एज अ ऑफ की तरह रहता है मान लो, ठीक है, तो रिवर्स बायस पे वर्क करता है वो जेनर डायोड अपना, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि अगर वो 6 वोल्ट से ज्यादा होता है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो उसमें क्या होगा, इसमें कौन सा टैप होगा अभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी जेनर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, जेनर ब्रेकडाउन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218, 218 बोलता है कि हैवली डोप डायोड जो होता हैवली डोप, तो डोपिंग मैंने पहले भी बता चुके थे कि डोपिंग तीन तरह से होता है, एक नॉर्मल होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हैवली डोप्ड होता है। नॉर्मल तो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है नॉर्मल, जो अपने को जो रेशियो होता है 1:10 पावर 3 होता है। एंड फिर एक मॉडरेट बताया था, मॉडरेट में अपने को जेनर था, ठीक ना, जिसका 1:10 पावर 5 होता है। एंड एक और बताया था मॉडरेट के बाद एक हैवली था, हैवली डोप्ड था, जिसमें हैवली डोप्ड में अपने को टनल डायोड आता है, टनल डायोड रहता है जो 1:10 पावर 8 पे रहता है। तो इसके हिसाब से अपने को ये हैवली डोप्ड में ये आ जाएगा, अपने को ए आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन अभी और नहीं है, तो ब्रेकडाउन जो होगा लाइकली टेक प्लेस होगा, जेनर ब्रेकडाउन अपने आ जाएगा हैवली डोप्ड में। 219 चलो क्वेश्चन पे, 219 बोलता है कि पीएन जंक्शन डायोड है एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से ऑप्शन पढ़ो, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोलता है द होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट करंट कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये तो मेरे को पहले ही गलती लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चलता है। होल एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अपना मान लो ये है, तो ये पी एन पी और एन है, तो किस तरह से चलता है, मतलब अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाए तो उसके अपोजिट में होल जाएगा, ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये डिफ्यूजन होता है अपने को, तो ये तो पहले ही गलती है। चलो आगे पढ़ते हैं, द होल एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ये सही है, ठीक है, ये ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन सही है, एंड ऑन एन एवरेज वन ऑन एवरेज ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इन द सेम डायरेक्शन, सर ये सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट, ये जो है ट्रू नहीं है, गलत है, तो 219 का ए हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं 220, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है,
इसमें आप कुछ देख लो थोड़ा सा क्या क्या डायरेक्शन, देख बता देते हैं डायरेक्शन क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं पार्टिकल लेते हैं, इसको एक इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो बता दे रहा हूँ कि डायरेक्शन याद रखने के तरीका बता दे रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं ये एक तरफ पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है ना, हमारा पार्टिकल कौन कौन सा रहेगा, एक डायरेक्शन ले रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पे करंट रहेगा। तो पहला अगर मान लेते हैं होल रहेगा अपने पास, होल डिफ्यूजन होगा, होल डिफ्यूजन रहेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। और उसमें करंट जो होगा, करंट भी इसी तरीके से जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मान लेते हैं होल ड्रिफ्ट होगा, होल ड्रिफ्ट, होल ड्रिफ्ट, उसका डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, और करंट भी होगा जो इस तरीके से जाएगा। तीसरा लेता हूँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, चार को तो यहाँ पे पार्टिकल ही आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इस तरह से रहेगा, एंड इसका जो करंट होगा अपोजिट में रहेगा। फिर एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, एंड ये इसका इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देख लेना, 219 का देख लेना, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलती लगा रख गया है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 219 का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 220 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 220 क्वेश्चन बोलता है कि कुछ डेटा दिया हुआ है, डेटा में बोल रहा है कि अपने को निकालने को बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालिए एट रीजन डिप्लेशन पी साइड पे, निकालिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालने को बोल रहा है। तो वैल्यू दिया हुआ अपने को, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10^16, एंड फिर देखो एन ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन ए का, एंड फिर एक और एन डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, एन डी का वैल्यू दिया है 1 × 10^17, ये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है डोनर का और फिर एक्सेप्टर का, फिर अपने को फॉरवर्ड वोल्टेज दिया हुआ है 0.3 वोल्ट, फॉरवर्ड वोल्टेज दिया हुआ है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.3 वोल्ट, फिर टी टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। फिर अपने को एन आई दिया हुआ है, इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया है 1.5 × 10^10, ठीक है ना, 1.5 × 10^10 दिया हुआ है इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन, एंड के टी बाई क्यू मतलब वी टी दिया हुआ है, के टी बाई क्यू 26 मिली वोल्ट दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करिए पी साइड में, पी साइड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करिए। तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि एन पी बराबर होता है एन पी ओ ई ई अपॉन क्यू वी एफ अपॉन के टी, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब फिर उसको और सिंपल करो, तो एन पी ओ अपने पास क्या है, एन पी ओ जो है वो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन है। अब चलो बात करते हैं, अब मास एक्शन लॉ के थ्रू चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है कि एन पी ओ इज इक्वल टू होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ए, ठीक है ना, ये इस तरह से होता है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन ए इंटू एन पी ओ इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, ये होता है मास एक्शन लॉ। चलो एन पी ओ निकालो, एन पी ओ इज इक्वल टू फॉर्मूला निकालो, तो एन पी ओ एन आई का स्क्वायर मतलब 1.5 × 10^10 का स्क्वायर हॉल में रहेगा अपॉन एन ए का 10^16, तो जब सॉल्व करोगे तो 2.25 × 10^4, ठीक है ना। तो 2.25 × 10^4 आया यहाँ पर से एनपीओ का वैल्यू, ठीक है, ये अपने एनपीओ का वैल्यू आ गया। तो अब चलो यहाँ पे एनपीओ का वैल्यू पुट करना है मेरे को, तो मेरे को एनपी निकल जाएगा। चलो इसमें एक पेज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो एनपीओ का वैल्यू जो हमारा आया, चलो निकालते हैं वहां से। अब एनपीओ बराबर, अपने एनपी बराबर क्या फॉर्मूला था, एनपीओ ई ए पावर क्यू वी एफ अपॉन के टी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। अब मेरे को पता है कि के टी बाई क्यू, के टी अपॉन क्यू जो है वो वैल्यू दिया हुआ है 26 मिली वोल्ट, ठीक है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है। चलो इसको हल्का और छोटा कर देते हैं, ई बराबर, इसका एनपीओ का वैल्यू डाल रहा हूँ 2.25 × 10^4 मल्टीप्लाई ई पे पावर 0.3 डिवाइड के टी बाई क्यू का वैल्यू 0.026, क्योंकि मिली था इसलिए, ठीक है ना।
0.026। और वी एफ का वैल्यू जो दिया हो, मैं ये दिया हूँ ठीक है ना, वी एफ का वैल्यू ये हो गया एंड के टी बाई क्यू ये हो गया अपना वैल्यू ठीक है, उलट दिया तो ये नीचे चला गया। इसको जब सॉल्व करोगे आप, चलो सॉल्व कर ही लेता हूँ, तो सॉल्व करोगे तो 2.25 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करोगे तब 1.025 इंटू 10 पावर 5 आएगा ठीक है ना। इसको जब पूरा सॉल्व कर लो तो 2.306 इंटू 10 पावर 9 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अपना ये एनपी का वैल्यू यानी ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन निकल गया एनपी साइड में, तो क्या अपना ऑप्शन आया 2.3, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना, 220 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंप्लीट हो गया है आज का लेक्चर, 220 तक बना दिया हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 221 से लेकर 240 तक रहेगा।